डायबिटीज ने तो मुझे तंग कर दिया है नुपुर मैम, मुझे दोनों का मतलब समझा दो। देखो शिनचान, डायबिटीज मेलिटस उस कंडीशन को कहते हैं जब शरीर में किसी व्यक्ति के इंसुलिन की कमी होती है। ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस के अंदर होता क्या है, क्योंकि पैनक्रियास में मौजूद जो बीटा सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से इंसुलिन नहीं बना पाते जितना रिक्वायर्ड होता है, या फिर इंसुलिन अगर बनता भी है तो वो क्या करता है, वो सेल के अंदर शुगर का अपटेक नहीं कर पाता। इन दोनों रीजंस के चलते भाई सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं गया, तो ये जो ग्लूकोज है ब्लड में बहुत ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यूरिन में भी भाई इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। सो आमतौर पर एक्सेसिव यूरिनेशन यानी बहुत बार यूरिन पास करने के लिए जाना और थर्स्ट यानी प्यास लगना, ये दोनों चीजें इस तरह के डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ कुछ हार्मफुल कीटोन बॉडीज भी हैं जिनका प्रोडक्शन होता है। कंफ्यूज तो नहीं हुए तुम? नहीं मैम, दोबारा समझा दीजिए। अब समझो डायबिटीज इंसिपिडस को। डायबिटीज इंसिपिडस के दौरान जो ADH है, जिसे एंटी डायुरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, जो किसमें मदद करता है, जो कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वाटर के रीअब्सॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, ये जो ADH है इसकी डेफिशिएंसी या इसका हाइपोसिक्रीशन होता है। अब हाइपोसिक्रीशन या उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से DCT में, क्योंकि ADH कम सिक्रीट हुआ है, तो यहां पर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन DCT में ज्यादा नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है कहां, यूरिन के साथ भाई, दैट विल बी बाहर हो जाएगा बॉडी से।